सुप्रभात, मैं मोहम्मद शोएब कक्षा 9 आ का छात्र आज आपके सामने मेरे हिंदी अध्यापक द्वारा दिए गए विषय मेरे सपनों के भारत पर अपने कुछ विचार एवं पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रधानाचार्य श्रीमान जीपी मिश्रा एवं मेरे हिंदी अध्यापक को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया और मुझे इस खूबसूरत विषय पर अपने कुछ पंक्तियां एवं विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं अपने पूरे भाषण की शुरुआत एक पंक्ति से करना चाहूँगा कि सपने मन की ताकत है, उपयोग करो इसका सही, इसे पूरा करने की कोशिश करो, सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सपने सब देखें, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आप पूरा करेंगे। और हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिक, हम मुझे यकीन है कि अपने देश के लिए ही सपने देखते हैं। उनमें वो लोग हमारे देश में आज उभर रही कई कमियों को ख़त्म करने के बारे में देखते हैं। मैंने भी ऐसे कई सपने देखे और मैं आने वाले समय में चाहता हूँ कि भारत में ऐसी कई कमियाँ जड़ से समाप्त हो जाए। पहली कमी, एकता में दरार। पुराने समय से भारत की एकता प्रसिद्ध है, पर हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज हम एकत्रित नहीं हैं। कई सारे धर्म एवं कई सारी चीज़ें होने के कारण आज लोग एक दूसरे से भटक रहे हैं। इसका एक कारण हो सकता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, नेता जब अपने पार्टी के बारे में सबसे बताते हैं एवं अपनी योजनाओं को सब तक फैलाते हैं तो लोग उसी में ही बढ़ जाते हैं। कुछ लोग दूसरे नेता को सपोर्ट करते हैं और कुछ दूसरे के खिलाफ रहते हैं। इसी में हमारी एकता में दरार भी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एकता में दरार भ्रष्टाचार के कारण ही है। भ्रष्टाचार आज पूरे भारत में फैला है, छोटे पैसे से लेकर बड़ी चीज तक भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। भ्रष्टाचार स्कूल से लेकर बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में भी है। आज लोग अपना काम ना करके एवं अपना काम करते हैं तो अलग से रिश्वत लेते हैं, ये सब भ्रष्टाचार का ही नाम है। भ्रष्टाचार के कारण ही शायद आज हमारा देश पिछड़ रहा है, वो सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार उसकी गति को धीमी कर रही है। भ्रष्टाचार के कई रूप आज हम देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के कारण कई चीज़ें हमारे देश को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जैसे शिक्षा। शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता निभाती है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो तो वो कुछ भी कर सकता है, उसे हर चीज़ करने की समझ होती है, क्या उसके लिए अच्छा है एवं क्या उसके लिए बुरा है। वो देश के बारे में एवं देश के विकास के बारे में कुछ सोच सकता है यदि वो शिक्षित हो तो। परंतु अशिक्षित व्यक्ति वो सिर्फ वो कुछ नहीं सोच पाएगा, उसको तो यही नहीं मालूम होगा कि क्या उसके लिए, क्या उसके देश के लिए सही है और क्या उसके देश के लिए गलत। तो हमें शिक्षा के लिए भी कई योजनाएं बनानी चाहिए एवं उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें लोगों को और जागरूक करना चाहिए, जैसे कि पुराने ज़माने से ही लोग अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, पर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि एक बच्चा शिक्षित होता है तो शिक्षा सिर्फ उसको मिलती है, पर यदि एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा का पूरा एक समाज शिक्षित होता है। नारियों पर भी आज हम अत्याचार देख सकते हैं। नारियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उन्हें चार दीवारी पे बंद किया जाता है एवं उनकी रुचियों को बाहर नहीं निकाला जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में भारत में ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। गरीबी भी इसका एक कारण हो सकती है। गरीब परिवार अपने घर के कई बेटों को नहीं भेज सकती है, वो सोचते हैं कि बेटा ज़्यादा काम कर सकता है तो वो सारा पैसा अपने बेटे पर लगाते हैं एवं नारियों को कोने में रख देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें भी मौका दें। हमको गरीबी भी मिटानी चाहिए। गरीबी भी एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे देश को शायद खोखला कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि गरीबी का जड़ से समाप्त होना हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारे देश में कई समस्या और हैं, जैसे राजनीति। राजनीति में आज कई लोग गलत राह पकड़ रहे हैं। जो लोग अच्छा करना चाहते हैं अपने देश के लिए, उसे तो भ्रष्टाचार निगल लेता है। इस राजनीति के कारण आतंकवाद भी बढ़ रहा है। कुछ नेता अपने कुछ आदमियों को भेजकर शहर शहर में दंगे करवाते हैं एवं लोगों को आपस में भिड़ाते हैं, जिससे हमारी एकता पे आँच आती है। और इस हमारी एकता पे आँच को वो अपने हित के लिए, फायदा अपने फायदे के लिए सोचते हैं, और हमारे वोटों को का गलत इस्तेमाल करके वो अपनी मनमोनी करते हैं। आतंकवाद को भी हमारे देश से जड़ से समाप्त होना होगा, क्योंकि जब आतंकवाद खत्म होगा तब हमारे देश में सबको, सबके दिल में देश के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न होगी। आतंकवाद एवं आतंकवादी दूसरे लोगों को जो देश के हित के बारे में सोचते हैं, उन्हें ये भड़काते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें गलत राह पे पकड़ना है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। तो हमें इन सब कई कमियों को आने वाले समय में अपने भारत से हटाना होगा, ताकि पूरे विश्व में हमारा भारत सर्वोत्तम स्थान प्रदान करे। अंत में मैं अपने कुछ विचार कविता द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगा। आने वाले समय में भारत होगा देश ऐसा, नहीं देखा होगा किसी ने, होगा वो जन्नत के जैसा। सपने तो चीज है छोटी, भारत के सामने सभी लोग यही कहेंगे, कोई न देश है भारत के जैसा। भ्रष्टाचार का होगा अंत, गरीबी अब मिटेगी यहाँ, होगी यहाँ अब उन्नति रोज, जब बदलेगी सबके मन की सोच। नहीं है दो पल के यह सपने, गैर बनाते हैं हम इनको, सोच के देखो एक बार इन्हें, देखो होता क्या है देश को। भ्रष्टाचार से होगा रहित, नागरिकों के होगा सहित, सब मजबूर होंगे कहने में ऐसा, कोई न देश है भारत के जैसा, कोई न देश है भारत के जैसा। अंत में मैं दो वाक कहकर अपने पूरे भाषण की पूर्ति करना चाहूँगा। क्यों सोच रहे हैं सब अपने बारे में, क्यों सोच रहे हैं सब अपने लिए, होगी उन्नति उस समय से जब सोचेंगे हम देश के लिए। अब मैं अपने हिंदी अध्यापक श्रीमान प्रखर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल मुझे बल्कि हम सबको ऐसी कविता एवं भाषण लिखने को प्रेरित किया। तो मैं उनके लिए दो पंक्ति कहना चाहूँगा। सारे कवि तो पीछे रह गए, सबसे आगे तो आप हैं, हमारी सफलता के पीछे हमारा संघर्ष सबकी दुआ और प्रखर सर से पाप। धन्यवाद।